मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में हो रही कोरोना मरीजों की मौत की संख्या और कब्रिस्तान के मुद्दे पर आज बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, निरंजन डावखरे, संजय वाघुले ने मुमरा का दौरा किया। एमएम वली कब्रिस्तान और अमृत नगर कब्रिस्तान में जाकर जायजा लिया। कब्रिस्तान में काम करने वालों को किट भी दी और लॉकडाउन के दरमियान हर दिन कितनी मैयतें कब्रिस्तान में दफन होने आती थी इसकी जानकारी भी ली। कोरोना काल से पहले 4 से 5 मैयत हर रोज़ दफन होने आती थी, मगर कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ने की वजह से 12 से 15 मैयत हर रोज़ दफन होती थी। मगर वहीं किरीट सोमैया ने कोरोना से मरने वालों की संख्या छिपाने का सरकार पर आरोप लगाया है। किरीट सोमैया ने बताया है कि मुमरा में कोरोना काल में 953 मौतें हुई हैं, जिसमें से 400 से ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं, जबकि एमएम वली कब्रिस्तान में ही सिर्फ 142 कोरोना मरीज दफन किए गए हैं और ठाणे मनपा ने कुल 277 कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बताई है, जबकि ठाणे में कुल कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 800 से भी ज़्यादा है। ऐसा आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाया है। साथ ही मौतों की संख्या बढ़ने की वजह से कब्रिस्तान में भी अब मैयत दफन करने की जगह नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निरंजन डावखरे ने सरकार से मांग की है कि मुमरा कौसा के परिसरों में कब्रिस्तान के लिए जल्द से जल्द जमीन की व्यवस्था की जाए। मुमरा दौरे पर क्या कहा है बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सुनी। सर, आज आप मुमरा का दौरा करने आए थे तो आज कब्रिस्तान भी आए, और मुमरा की क्या आपको समस्या सबसे ज्यादा नजर आई? दो महीने से महाराष्ट्र सरकार के सामने ये विषय मैं लगातार रखता आया हूँ कि कोविड के कारण मृत्यु का प्रमाण बहुत गति से बढ़ रहा है और कब्रिस्तान की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हो या ठाणे हो या वहाँ पर वसे विरार हो, कब्रिस्तान की और अतिरिक्त जगह देनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो दूसरी बात है कि ठाकरे सरकार लगातार कोविड के मृत्यु दबा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ का एक उदाहरण दूं कि मेरे पास जो जानकारी है कि सिर्फ ये मुमरा कौसा परिसर में गए लॉकडाउन के बाद में 953 मृत्यु हुए, उसमें 400 से ज्यादा मृत्यु कोविड के है। ये एक कब्रिस्तान में 142 कोविड मृतदेह दफनाए गए, और ठाणे महापालिका कुल मिलाकर अभी तक कोविड के सिर्फ 277 मृत्यु हुए सब मिलाकर। ये ठाकरे सरकार लोगों की जान के साथ खेल रही है। जैसे मुंबई महापालिका में ठाकरे सरकार ने सिर्फ 2200 मृत्यु बताए थे और अभी बाहर आया कि 4400 हुए है। इसी प्रकार से थाना में 800 से ज्यादा मृत्यु हुए हैं, ये सिर्फ 277 दिखा रहे हैं, और उसके कारण लोगों की जान अधिक खतरे में आएंगे, लोग और बाहर निकलेंगे। ये सब खुलासा करने के लिए निरंजन डावखरे और संजय वाघुले के साथ में हम जा रहे हैं। जैसे जिस तरह से कब्रिस्तान का भी मुद्दा है कि अमृत नगर का कब्रिस्तान बंद होने वाला है, कौसा बंद है और ये भी लगभग फुल हो जाएगा, ऐसे में मैयत दफन करने के लिए मुमरा वालों को जो है काफी अब तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में कब्रिस्तान की जरूरत है। इसलिए हमारे थाने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निरंजन डावखरे ने सरकार से मांग की है कि तुरंत ही यहाँ के परिसर के लिए अलग कब्रिस्तान की अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था करनी चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।